आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्या करवा रही हूँ, नहीं मैं बाल कटवाने नहीं आई हूँ क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी इतने कट चुके हैं कि अब उस लायक भी नहीं बचे। खैर मैं आज आई हूँ एमआरटेन की गलियों में। भैया ये कौन सी गली होगी? काशी, काशीपुरी। काशीपुरी में मैं आज आई हूँ और यहाँ मैं आज एक आर्टिस्ट से बात करने वाली हूँ। वो आर्टिस्ट कौन है वो आपको तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, पर मैं आपको उससे पहले ना एक ज्ञान की बात बता देती हूँ। हमें ना मौके का कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। और ऐसा ही मौका जो हमारे आज के आर्टिस्ट ने लिया और उन्होंने उस मौके को देख के छक्का लगाया है, वो भी स्वच्छता के गाने में। अब कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया आपको मिल ही गया होगा, बाकी हम वहीं उनके स्टूडियो में जाके देख लेते हैं। कुछ भी है भाई, इंदौर में तो कुछ भी चल रहा है। कभी बारिश आ रही है तो कभी इतनी धूप आ रही है कि मतलब ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करोगे ना सब फेल है, फेल। सुर संगम, सुर संगम नाम ही सुर संगम। चलो ये अच्छा है कि यहाँ पे कुत्ते से सावधान नहीं लिखा है। टाइम प्लीज, बीच में कोई प्याऊ की सुविधा क्यों नहीं रखता है? इतने फ्लोर मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ पता है। यहाँ ऊपर ऊपर आता है जैसे पहाड़ों पे चढ़ के नहीं आता इंसान पूरा वो हो जाता है, बिल्कुल वैसे मैं थक गई हूँ। गर्मी में थोड़ा पसीना बहाना है, बॉटल लेकर ही आए थे, मतलब पता था कि यहाँ आकर लोग थकते हैं, ऐसे ही नहीं ऊपर आते। अब आपको पता चलेगा बिहाइंड सक्सेसफुल सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा थक जाता है, बहुत थोड़ा बहुत दिन भर की, दिन भर का कुछ करो तो छोटा सा एक वो निकलता होगा, राइट? सो आई विल हैव सम वाटर। श्योर श्योर। मैं हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, हु यू आर? शिक्षा शर्मा। मतलब जिन लोगों की भी सुबह की नींदें जो उड़ती है ना तो उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब एक्चुअली बहुत बड़ा हाथ नहीं, बहुत बड़ी आवाज है जिन्होंने लोगों की नींदें उड़ाई है सुबह सुबह अलार्म के उसमें। तो क्योंकि स्वच्छता का गाना जो है वो तो यार सुबह एक्चुअली जब गलियों में जब गाड़ी निकलती है ना तो सबकी नींद उड़ती है जी, तो जो कि स्वच्छता एंथम में आपने छक्का लगाया ही है तो क्यों ना उसकी शुरुआत ही आपके स्वच्छता एंथम से कर दी जाए। स्वच्छता सम्मान अपना इरादा है सच्चा, पंच लगाया है हमने अब लगाएंगे छक्का, पंच लगाया है हमने अब लगाएंगे छक्का, सिर मोर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। Nice. यार इस गाने में लाइक इंदौर की, पूरे इंदौर के आर्टिस्ट है, बहुत सारे इंदौर के आर्टिस्ट है, तो इसकी जर्नी कैसी थी? मतलब उस टाइम जब आपने रिकॉर्ड किया था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? जब सभी इंदौरी कलाकार साथ में मिलके काम कर रहे थे ना तो वो अमेजिंग एक्सपीरियंस तो था ही, साथ ही साथ बहुत इमोशनल था। एंड आई वुड लाइक टू थैंक सौरभ मेहता प्राइमरली, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक कंपोजर है, उन्होंने साथ में गाया भी है। एंड ऑफ कोर्स देवेंद्र मालवीय जी, उन्हें सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एंड नियम कनुंगो, हु इज एन अमेजिंग वोकलिस्ट, पंच लगाएगा इंदौर में भी उनकी आवाज थी, उन्होंने ही गाया था, और इंदौर लगाएगा छक्का में भी उनकी आवाज है। तो आई थिंक जितने भी टीम मेंबर्स थे सभी लोग प्रोफेशनली तो काम कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक इमोशनल टच भी था कि भाई अपने शहर के लिए स्वच्छता एंथम बना रहे हैं। एंड सभी लोग, आई थिंक बांसुरी वाले बलजिंदर जी, उन्होंने बहुत छोटे से इनविटेशन पे अपना वक्त दिया हमें, एंड जिस तरह से फिर इंदौरी जनता का प्यार मिला, ओहो ओवरवेलमिंग। सो शिक्षा विनो, कि आपका मतलब कब से आप सिंगिंग की फील्ड में हो, बट आपकी म्यूजिक की लाइक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? फॉर्चुनेटली माई फादर इज़ अ म्यूजिशियन, तो म्यूज़िक का माहौल हमेशा से ही घर में था। पापा को देखना, यू नो, उन्हें ऑब्जर्व करना, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके कोलीग्स, उनसे बातें करना, बहुत सारे सवाल पूछना, म्यूज़िक सीखना, एंड देन ग्रेजुअली उनके साथ यू नो लाइव शोज़ में जाना, परफॉर्मेंसेस देखना, खुद भी परफॉर्म करना, स्टूडियो सेशंस देखना, क्योंकि पापा स्टूडियो लाइन में बहुत एक्टिवली काम करते थे उस टाइम पे, तो उनके साथ स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स में जाना,
रिकॉर्डिंग्स देखना, डबिंग सेशंस देखना, म्यूजिशियंस की महफिलें कैसे लगती है ये सब देखना, तो इस तरह से म्यूजिक से एक दोस्ती हो गई, एक लगाव हो गया. दैट्स हाउ इट ऑल बिगन फॉर मी. राइट. एक्चुअली अभी हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में या सिर्फ मतलब लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ले लो कि ऐसा होता है कि ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है. Correct. तो क्या आपको याद है आपने आपको पहला ब्रेक कब मिला था या आपकी पहली स्टार्टिंग कहाँ से की थी आपने इस चीज़ की? पहला प्लेबैक एक्सपीरियंस की कहिए या फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग एक्सपीरियंस कहिए, वो हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुआ था. एक रीजनल फिल्म के लिए हुआ था. आई थिंक यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा, पापा के जो कोलीग्स थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया कि मेरी आवाज़ थोड़ी अलग है. okay. और इसे अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो आई थिंक मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी और कोई रीजनल फिल्म बन रही थी राजस्थानी मध्य प्रदेश की, जिसका म्यूज़िक इंदौर में हो रहा था. सभी सिंगर्स म्यूजिशंस काम कर रहे थे उसके लिए. तो उस फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मुझे लाइक पहला फुल फ्लेज्ड गाना गाना था और नए लिरिक्स, नए कॉम्पोजिशन और प्रॉपरली फिल्म डायरेक्टर के साथ बैठ के वो गाना रिकॉर्ड हुआ था. सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट वॉज माई फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग एक्सपीरियंस. एंड इनफैक्ट एक कोइंसिडेंस है कि फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग एक्सपीरियंस रीजनल फिल्म के लिए था. 8th स्टैंडर्ड में थी तब तक किया था. इनफैक्ट अभी जो वेब सीरीज में मैंने गाना गाया डार्क 7 वाइट, वो भी भले ही दोनों गाने अलग अलग दशक में हुए हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज अभी मैंने रियलाइज किया है कि दोनों ही गाने प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में नहीं थे क्योंकि टॉपिक के अनुसार अलग अलग थे. दे वर नॉट प्रॉपर लाइक हिंदी लैंग्वेज. दोनों ही गाने फोक जॉनर के थे. बस ये डिफरेंस है कि क्योंकि अलग अलग दशक में हुए हैं, साउंड का डिफरेंस है, प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है. तो जो रीजनल फिल्म में मैंने गाया था उसकी सिंगिंग स्टाइल बहुत देसी रखनी थी, बहुत फोकस और बहुत खड़ी बोली रखनी थी. और जो वेब सीरीज में मैंने गाना गाया उसका स्टाइल हमें थोड़ा अर्बन रखना था प्लेटफॉर्म के अनुसार. तो ये एक सिमिलैरिटी है फर्स्ट प्रॉपर प्रोजेक्ट में और अभी वाले वेब सीरीज प्रोजेक्ट में. तो जैसे कि डार्क 7 ने आपका एक्सपीरियंस बताया, तो ये आप मुंबई शूट करने गए थे या ऐसा कुछ इसका पूरा जर्नी थी इसकी मतलब? जी बिल्कुल. एक्चुअली नहीं, ये हुआ इंदौर में ही है बिकॉज दिस वाज राइट आफ्टर COVID-19 लॉकडाउन. डार्क 7 वाइट वेब सीरीज बन रही है या उसका म्यूजिक कौन कर रहा है, आई हैड नो आइडिया. बट आई वॉज अप्रोच्ड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर अर्पित मेहता. उन्होंने मुझे अप्रोच किया और एक मेल गाने के साथ अप्रोच किया. okay. और बताया कि इसका फीमेल वर्जन बनाना है. सो वी हैव टू ट्राई योर वॉइस. तो जनरली होता है ऐसा, आप एक स्क्रैच भेजते हो, एक डेमो भेजते हो कि आपकी आवाज में आपके स्केल में गाना कैसा लग रहा है. तो कुछ नेसेसरी बातचीत हमने की और मैंने गाना भेज दिया, स्क्रैच वर्जन भेज दिया. और भेजने के बाद भी जनरली इन चीजों में बहुत टाइम लगता है, आप कुछ नहीं कह सकते. तो मुझे नहीं पता था कि वेब सीरीज कब रिलीज हो रही है या मेरा गाना भी फाइनली अप्रूव हुआ है, गया है कि नहीं गया है. तो गाना भेज दिया, सब हो गया और उसके बाद फिर मैं वेट कर रही हूँ कि क्या खबर आएगी. पता नहीं. एंड देन सडनली आई गॉट अ कॉल वन डे. एक कोलीग ने मुझे कॉल किया और बोला, तुमने इस वेब सीरीज के लिए डब किया है. एंड आई वाज लाइक, यार कुछ ऐसा कब हुआ? या तो था बट लेकिन पता नहीं क्या हुआ. बोले मैंने देखा उसमें क्रेडिट्स में आपका नाम है. एंड आई एम लाइक ओके. एंड देन सेम टाइम जब मैंने फोन चेक किया, सो देयर वाज दिस मैसेज बाय द म्यूजिक डायरेक्टर दैट डू वॉच डार्क 7 वाइट ऑन Z5, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू. तो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड. और जहाँ तक मैं जानती हूँ म्यूजिक भी इसका इंदौर में ही हुआ है बिकॉज अर्पित मेहता इज एक्चुअली फ्रॉम इंदौर. सो ये प्रोजेक्ट इंदौर में ही हुआ. यस, कैसा है? वाओ, मतलब यार ये तो क्लियर है कि इंदौर स्वच्छता में नहीं ऐसे भी बहुत आगे बढ़ रहा है. करे राइट. तो एज यू टोल्ड कि ये इंदौर में शूट हुआ है. अभी हम एक तरफ फोकस देखे तो लाइक एमपी गवर्नमेंट ने काफी पुश किया है अभी, जहाँ पहले जो मुंबई से जो मतलब इंदौर से जाके मुंबई में शूट करते थे तो वही मुंबई से यहाँ आ रहे, तो उन लोगों का भी नजरिया एक अलग हुआ होगा इंदौर का. तो आपको क्या क्या बातें सुनने को मिलती है ऐसे? डेफिनेटली आई थिंक सी इंदौर की इमेज हमेशा से बहुत अच्छी रही है. जब भी आप बोले कि हम इंदौर से हैं तो हमेशा यही सुनने को मिलता है कि अरे
यू नो वहाँ तो बहुत अच्छे सुनकार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने की बातचीत होती है, दूसरी चीज दूसरे भी बातचीत होती है, कल्चर की भी बातचीत होती है। तो इंदौर की इमेज हमेशा से ही अच्छी थी, अभी और अच्छी हो रही है। एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव टू मेंशन अबाउट द आर्टिस्ट्स एज वेल। इंदौर में जो लोग काम कर रहे हैं या इंदौर के लोग जो बाहर जाके भी काम कर रहे हैं, उनको भली बात ही पता है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह आपको सिंगिंग, म्यूजिक डायरेक्टर्स या म्यूजिक प्रोडक्शन राइटर्स, टेक्निकल, सब जगह आपको इंदौरी मिलेंगे। तो इंदौर के लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली मतलब पहले हम बोलते थे ना मिनी बॉम्बे, अभी जिस स्पीड से इंदौरी कलाकार फैल रहे हैं, आई थिंक मुंबई में एक मिनी इंदौर क्रिएट हो जाएगा बहुत जल्दी। नो डाउट डेफिनेटली। तो यार ये इंदौर तो डेवलप हो ही रहा है, अब हम हमारी सीरीज को भी डेवलप करते हैं। और अभी तो बहुत सारी प्रोडक्टिव बातें हो गई है, तो अब होता है एक गेम, तो चलिए उस गेम की ओर। बिल्कुल चलते हैं। सो शिक्षा, नाउ वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम जिसमें मैं आप रैपिड फायर जैसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा है कि मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी और जल्दी जल्दी जवाब चाहिए, बट उस जवाब जो जवाब होगा उसमें ना हाँ होना चाहिए और ना यस और नो नहीं चलेगा, और वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो गेम शुरू हो चुका है, आप तैयार है? गणपति बप्पा मोरिया। आप तैयार है? जी। ओहो ओके, आप तैयार है ना? राइट, हाँ हाँ, चलिए चलिए आउट। ये क्या? नहीं, पहला और आखिरी मौका है, मुझे लगा ही था ये जी। नहीं, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहती। लेट्स ट्राई दिस। ओके ओके, तो आपको चॉकलेट चाहिए? सृष्टि, यस, यू आर गुड लुकिंग, बट आपको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। कितनी? नाइस वन। अच्छा, शाहरुख खान के नाम, शाहरुख खान के बेटे का नाम आर्यन ही है ना? अब्राम भी तो है। गुड प्ले। क्या आपसे बड़ी दिखती हूँ मैं? छोटी भी नहीं लगती हूँ। अच्छा शिक्षा, आप डॉग्स को पपीज ही बुलाते हो ना? और क्या बुलाऊंगी। नाइस। तो आज और कल में अभी बॉम्बे निकलना है, फिर देखते हैं। देखते हैं। नाइस नाइस नाइस। कैसा लग रहा है ये क्वेस्ट को? बिल्कुल ओके। तो ये तो क्लियर है, मतलब कि म्यूजिक से बहुत प्यार है। जान है। जान है। पहली बार में चोट हो गई थी, अब नहीं कर रहा है। यू वन दिस गेम। थैंक यू गणपति बाप्पा। थैंक यू यार, इट वाज अ नाइस ट्राई, इट वाज अ नाइस ट्राई। थैंक यू थैंक यू। व्हाट डू यार, तो अब जीत तो गई जो कि है ही आप। अब मैंने ये चीज तो देख ली कि यहाँ पे आप यूजुअली प्रैक्टिस करते होंगे, राइट? आपके जब भी लाइव परफॉर्मेंस, तो मुझे ना स्टूडियो देखने का बड़ा मन है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से, मैंने जो पहला सॉन्ग एक बार मैंने गाया है, यस, तो उसके बाद से मैंने स्टूडियो देखा नहीं, और मुझे यार देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो लोगों को भी जानना है यार कि कैसा क्या होता है। श्योर, तो चलिए फिर वहीं चलिए साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। ओहो, ये है वो स्टूडियो जहाँ अक्सर आपका समय आप बिताते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत ही, मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, लाइक जब आओ ये माइक और ये सब चीजें देखकर समझ तो आता नहीं है इतना, फिर भी इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो जनरली आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स, तो सबके पास इतना टाइम नहीं रहता कि सब एक साथ मिलकर रिकॉर्ड करें। राइट राइट राइट। तो कोई रात में काम करके मुझे ट्रैक भेज देता है, ब्रीफ मिल जाता है एक कि आपको फील क्या रखना है, किस पर्पस के लिए बन रहा है, तो क्या बातें ध्यान में रखनी है। एंड देन आई गेट अ ट्रैक, आई गेट अ रेफरेंस, और फिर मैं देखती हूँ कि मैं मेरी आवाज़ के साथ कहाँ कहाँ कुछ खेल सकती हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। राइट। आई सी द की, आई सी द टेम्पो, और फिर एक रफ, बहुत ही रॉ फाइल हम चाहते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुँचे, ताकि वो फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करके एक फाइनल मिक्स तैयार कर सके। इसका क्या यूज है, मतलब यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? सी, दिस वर्क्स एज बोथ एज अ कीबोर्ड। जो मेरे पास गाना आया है, उसका अगर मुझे सुर चेक करना है कि मैं कौन से स्केल में गा रही हूँ, देन एज अ प्रोड्यूसर जब आप बैठते हैं तो एक होता है मिडी, जिसमें आप सब प्रोग्राम करते हो, तो ये कीबोर्ड उसके भी काम आता है। तो ये हर चीज का अपना वो है, दैट साउंड कार्ड, हेडफोन्स पहन के करना पड़ेगा, लीकेज तो नहीं आया, ताकि सिर्फ आवाज रिकॉर्ड हो, पीछे कोई भी नॉइज रिकॉर्ड ना हो, ताकि कुछ भी एक्सपेरिमेंटेशन अगर मेरी आवाज पे हो तो वो सिर्फ मेरी आवाज पे हो, पीछे किसी भी नॉइज पे नहीं हो, जैसे ये। तो चलिए एक नमूना हो जाए यार इसका, एक देखना तो अभी बनता है। एक जैसे मुझे ट्रैक आया हुआ है, ये मुझे एक नॉर्मल ट्रैक आया है जो आप सुन रहे हैं, और इस पे अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं गाऊं।
जो रेफरेंस है उसके हिसाब से लिरिक्स आ चुके हैं मुझे जो मुझे याद है रिश्ता रेशम का बारिश की छप छप सा जुड़े जो मन मुस्कुराए हम मुस्कुराए हम मुस्कुराए जस्ट अ स्मॉल जिंगल और ये मेरा फर्स्ट कट था. अब मैं देखूंगी मैच करूंगी कि मैंने रेफरेंस के हिसाब से गाया है. अच्छा, सही लिरिक्स गाए okay. मुझे पता है मैं इसका और कट करके आई थिंक आई विल सेंड सम ऑफ द टेक्स लाइक एक टेक दो टेक तीन टेक अपने हिसाब से और फिर जो भी म्यूजिक डायरेक्टर को बेस्ट लगे वो ले सकते हैं उस टाइम से. जितनी इंटरेस्टिंग ये मतलब के जो एक्सपीरियंस होता है ना उतना ही टायरिंग भी होता है राइट. हाँ कभी कभी क्योंकि टेक दर टेक एनर्जी चली जाती है और आपको लगता है कि आप अकेले ही कर रहे हो किसी से बार बार फीडबैक नहीं ले सकते right. तो वो एक ट्रायल एंड एरर चलता रहता है हर शिक्षा में. यू डू लाइक स्टेज परफॉर्मेंस चलता है वो लाइव परफॉर्मेंस रहते हैं राइट. यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हो तो दोनों में एक्सपीरियंस तो दोनों का अच्छा होता है बट टफ ज्यादा क्या होता है लाइक. वेल आई थिंक दोनों के अपने अपने पर्क्स हैं. स्टेज में क्या होता है लाइव ऑडियंस है वहां से आप एनर्जी ले सकते हो उनको जज कर सकते हो उसी टाइम पे एंड यू कैन डिलीवर. यहाँ तो मुझे कभी इमेजिन करना पड़ता है कि मैं बाथरूम में खड़े होकर गा रही हूँ कभी स्टेज पर गा रही हूँ कभी मेरे भाई से कोई बात कह रही हूँ तो मुझे इस माइक को सब कुछ समझना पड़ता है. देवता है वो फिलहाल जी बिल्कुल. तो यारी म्यूजिकल जर्नी आपकी तो चलती रहेगी बिल्कुल. तो आगे क्या भी कोई प्लान है. वेल है कुछ गाने गाए हैं जो शायद इसी वर्ष के एंड तक रिलीज हो जाए. कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज होंगे स्टिल आई डोंट नो. ये वही सस्पेंस वाली चीज है हमें नहीं पता है. जब रिलीज होगा तब मैं डेफिनेटली अनाउंस करूंगी. और बहुत सारे इंडी प्रोजेक्ट्स हैं इनका फॉर्चुनेटली मैं हिस्सा बन रही हूँ बिकॉज आई एम मीटिंग न्यू प्रोड्यूसर्स एवरी डे न्यू डायरेक्टर्स न्यू कंपोजर्स एवरी डे. तो फॉर्चुनेटली जितने भी लिसनर्स हैं व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्द बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट सुनने को मिलेगा बिल्कुल मिलेगा. तो ये था मेरा आज का म्यूजिकल एक्सपीरियंस जो बहुत ही अमेजिंग था. मतलब मेरी तो म्यूजिकल जर्नी नहीं उनकी म्यूजिकल जर्नी में उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं और अभी आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं और मैं भी करने वाली हूँ. मतलब जो आर्टिस्ट का हंट होने वाला है तो वो भी कंटिन्यू रहेगा. अगले एपिसोड में मैं फिर आऊँगी ऐसे ही किसी नए आर्टिस्ट के साथ और ऐसी ही कोई पर्सनैलिटी के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए गली गल.